नमस्कार, एलएनबी टीवी में आपका स्वागत है। जन सुनवाई में उमड़ा जन सैलाब, अधिकारियों ने सुनी समस्याएं, किया निराकरण, संबंधितों को दिशा निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। जन की समस्याओं को सुनने तथा उसके निराकरण के लिए मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार प्रत्येक मंगलवार को लगभग प्रत्येक शासकीय कार्यालयों में जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्टर भवन के सभाकक्ष में जन समस्याएं लेकर आए और अधिकारियों ने उनकी समस्याओं को सुना तथा निराकरण करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। दमोह जिले के कलेक्टर डॉक्टर जे विजय कुमार तथा अपर कलेक्टर आनंद कोपरिया ने जन की समस्याओं को सुना तथा निराकरण किया। संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के परिसर में एक अजीब सा नजारा देखने मिला, जब एक व्यक्ति अपनी दो पुत्रियों के साथ वहीं धरने पर बैठ गया। आइए सुनते हैं उसी व्यक्ति से उसी की कहानी, क्यों बैठा वो धरने पर। जाहर सिंह, कहाँ के रहने वाले? सागरों के रहने वाले। क्या कारण है? हम 1997 से 15/8/2017 में जेल से छुटा हूँ। 20 साल में हम इसी 5 साल पहले मृत्यु हो चुकी। अब दो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, छुट्टी पर आती रही। तो क्या हुआ, जो मकान था पिताजी ने भाई ने मिलकर बेच दिया, हमारे पास मकान छीन लिया, जो हिस्सा मिला था हमको जमीन का वो कब्जा किए हुए फसल भी छीन लिया। खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और मकान इन्हें बेच ही दिया। हमने कहा भाई तुमने जो जमीन मकान बेच के जमीन खरीदी मकान खरीदा उसमें हम हिस्सा दो देने के लिए, मानने के लिए दे जाए, अपन सोचते शांति से रहें, जीवन यापन करें। तो 20 साल में लोग अपराध नहीं करें, भी अपराध करना चाहे कहते मारो फिर जाओ हमारा हक रहेगा। तो अपन ये चाहे तो भाई शांति से जीव। हमने SP के यहाँ रिपोर्ट लगाई, थाने लगाई, तहसील में तहसीलदार कह रहे सालों में निपटार होगा, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा मकान सका। अभी 3 बार यहाँ आ चुकी कलेक्टर के यहाँ, तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। सब अब कहाँ रहेंगे जब लोग हमारा निर्णय नहीं, ये कहते हैं कुछ नहीं देना है तो हम भाई ठीक है, हम मरे चाहे जिए चाहे कहीं चले जाए, कोई टेंशन नहीं। आज आप यहाँ बैठ गए हैं धरने के ऊपर, क्यों बैठ गए? इसी कारण मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है सर। अब तक के मुख्य समाचार देखते रहिए LNV TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।